हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चार पाई के पाए से नाभिक कैसे ठीक करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एक दुपट्टा लेंगे, राउंड बना लेंगे, जैसे गांव में लेडीज बनाती है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी, जैसे उसके ऊपर मटका रखते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं मैंने ये बना लिया है और आपको भी ऐसा ही बनाना है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रही। भाई, जब हमने ये कपड़ा लिया है, इसको नाभि के सेंटर पे ही रखना है और जो ये चार पाई है, इसके पाए को इसके ऊपर नाभि के बीच रखना है। भाई जी, ये वाला तरीका हमें सुबह खाली पेट करना है। और तो ये पाया क्या काम करता है कि हमारी धड़कन जैसे इधर उधर हो जाती है, उसको सेंटर में ले आता है। और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये पाया वैसे मतलब बिना कपड़े लगाया मत नहीं रखना चाहिए। तो हमने ये दुपट्टा लिया था, ये मैंने चार राउंड सा बना लिया था इसका, और राउंड सा बना के ये मतलब इंडी सी बना के रखना चाहिए। पूरी चार पाई का वजन हमारे पेट के ऊपर पाया रखा है उसके ऊपर ही आ जाता है। तो दोस्तों, ये वाला तरीका जिसकी नाभि बार बार खिसकती है, उनके लिए सबसे अच्छा है ये वाला तरीका, लेकिन आपको बहुत सावधानी से करना है। तो गाइस, बीच में एक बार नाभि के ऊपर की साइड से भी थोड़ा सा मसाज करवा ले, ताकि ये नसे जो खिंच जाती है वो ठीक हो जाए। गाइस, हमें इस मुट्ठी को ऐसे बंद करके और नाभि को सेंटर में घुमाना है एकदम। इससे क्या होता है कि धड़कन एकदम सेंटर में आ जाती है और अच्छे से नाभि के ऊपर इस तेल को रमा लेना है। और हमें दोनों हाथों को इस तरह से मिला के और नाभि के सेंटर के ऊपर लेके आना है। और ऐसे दोनों अंगूठों को मिला के इस तरह से लाना है, इस तरह से लाना है। ऐसे ही आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, दोनों अंगूठों को मिला के। तो गाइस, ये वाले प्रोसेस मैं लास्ट में करती हूँ, पैरों के झटका लगाना, लेकिन ये वाली प्रोसेस मैं बीच में ही कर रही हूँ। लेकिन आपको पैर को एकदम नॉर्मल रखना है। तो गाइस, उसके बाद में फिर से एक बार धड़कन चेक कर ले।